पूरे उसको 200 उनकी बच्ची के भाइयाँ कहते हैं, सात भाइयाँ हैं कहते हैं बच्ची के, पराना है कहते हैं बच्ची का नाम, और मेरे को उसको मेरे बच्चे को तीन बच्चे हैं, बीवी है, बीवी अम्मा का नहीं गई, ये काम हो गया, ये उसके लोग करे से पारक करने डाल दिए मेरे बच्चे को मार के। आज क्या हुआ अम्मा, आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को फ़ोन आया, शर्फू वहाँ पी के पड़े हुए हैं बोले, तो मैं समझ रही पी लिए होंगे पड़े बोल के, और मेरे बच्चे को मार के टाट पट्टी में लपट के कार्टूना डाल के छोड़ दिए, बच्चे चले गए, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के साथ भागी मई, और एक मोहम्मद बोल के बच्चा है कहते, वो अर्श महल पे रहता, वो मोहम्मद को पूरी न्यूज़ है कहते। आपको इसकी तिला कैसे मिली? मेरे को मेरे मंजे बच्चे के मकानदार फ़ोन करे, शर्फू वहाँ पड़े रहे बोल के, बोलते कि मैं भागी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं किशनबाग में रहती हूँ। एक सेकेंड उनको बोल, भागते हुए दवाखाने को आई, शर्फू के बगल में नहीं रहती, वो बोल के तो मार रही मैं, फोन दे दे के भाग गई वो बच्ची, कौन है क्या है हम नहीं पहचानते, ये है मेरी भाऊ, इसके तीन बच्चे हैं, इन्हों अम्मी कहने गए 2 महीने हुआ जाके, अब मेरे बच्चे मौत के मुँह में है मेरा बच्चा। अब तो मानने वाले कौन है क्या? वो नहीं लापता, कोई दोस्ता भी नहीं है उसके, कुछ पुरानी आपसी दुश्मनी नहीं नहीं है, उम्र ही उसकी 22 साल उम्र है उसकी, कोई दुश्मनी नहीं ना कुछ, हमारे पास जर है ना जोर है, चलो उसको करे बोलने के। क्या टाइम पे हुआ ये, आपको कब इतला मिली? 4 बजे आप पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन दिए इसकी? यहाँ आके लिए दूसरी बच्ची के पीछे है बल्कि मेरे को मालूम हुआ था, मैं हमारे अम्मी के पास चले गई थी, और बोलते 2 दिन से उनको फोन करके प्लानिंग से बुला रहे थे, बुला के आज क्या करें, मार के वहाँ पे किशनबाग पार्क के पास टाट पटरी में लपट के छोड़ दिए, अब उन्हें जान बचने की उम्मीद कम है, बोले डॉक्टर अब मेरा अब फैसला कीजिए। तो ये कौन है अम्मा, ये लोग कौन है जो मारे सो आपको को इतला है इसकी? कौन है ना, मतलब बच्ची को साथ में आया है साथ, उन्होंने कहा रहते 9 नंबर 24 में रहते बल्कि मालूम हुआ था सर। तो ये कब से है ये आपको कुछ इतला है इसकी? नहीं सर, 1 महीना पहले ही मालूम हुआ तो मैं अम्मी कहने आई थी। हाँ। 1.5 महीना हो रहा सर, तीन बच्चे छोटे छोटे, मेरे बच्चों का इंसाफ करो सर आप। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उनको? डॉक्टर्स बोल रहे बचने की उम्मीद ही नहीं है, बोल रहे सर कौन मारे क्या करे मालूम सर, आप मालूम आप पूरी इतला करो सर। आप लोगों को कब इतला हुई इसकी? हम लोगों को 4 बजे से मालूम हुआ सर। कौन बोले आप लोगों को? फोना करके ऐसे वहाँ पे लोग थे तो फोना करके किशनबाग में सब जने पहचानते उनको, पहचानत वाले देख के बोले सर। क्या नाम है आपके शोहर का? मोहम्मद शर्फू है सर। क्या उम्र रहती उनकी? 22-23 साल की थे सर। अच्छा है, हमला किशनबाग के पुराने रहने वाले हैं, इन्हों 2 दिन से रातों में शहरी के दोस्त हम मंदी खाने बुलाए करे बोल के प्लानिंग से लेके गए, 2 रात गोल हुए नो, आज 12 बजे काम पे से बुला के उसको गोल्डन पैलेस का नहीं मारे कते, मार के किशनबाग पार्क ने ला के डाल दिए उसको किचड़ में, ला के डाल दे के टाट पटरी हमारे उड़ा के डाल दिए, उसकी सीरियस कंडीशन है, वहाँ की पब्लिक एम्बुलेंस को बुला के अम्मी को इतला दिए, अम्मी एम्बुलेंस में बैठ के आके लेके आए उस्मानिया में शरीक करे, उसको सीरियस कंडीशन है, 1% भी चांस नहीं देते बोल रहे, ये कोई हराना नाम की बच्ची है कहते, उसके साथ भाइयाँ हैं, कोई आई टी ऑफिस कर रहती बोल रहे, कोई 24 में रहती बोल रहे, मगर कि उसके साथ तो भाइयाँ हमला करे। तो आप लोगों को पहले से आइडिया था ये बच्ची के साथ इनके कुछ है ताल्लुकात बोल के? ये इसकी बीवी को शक हुआ तो खाली उसके मुँह से सुने, हमारे को कुछ आइडिया नहीं, 20-25 दिन से उसके साथ में रह रही मैंने, और कि उसका आइडिया नहीं था कि वो बच्ची से चक्कर है, फ़ोन भी 2-4 दिन से यूज़ कर रहा था उसका, फ़ोन भी नहीं था उसको, प्लानिंग से बुला के वो 7 बच्चे है कहते कोई मारे उसको, मार के पीएस लगता आप लोगों को? 72 रुपया पीएस लगता, उन्होंने आके कंप्लेंट भी लेके गए। अच्छा, बाद में पीएस से आए थे? हाँ, मैं पीएस भी बोलो, ये मीडिया भी है जो भी है वो कैमरे चेक करके कौन मारे क्या नहीं ये जानकारी होना सर। क्या उम्र है आपके भाई की भी? 23 साल उम्र है उसका, मोहम्मद शर्फू नाम है, छोटे छोटे उसके 3 बच्चे है, उसकी भी 20-25 महीने भर से मायके में है ये शक करके, अब वो बच्ची भी यहाँ तक आई, अम्मी कौ काटी करके उसको मारे करे तो वो बच्ची फोन छोड़ दे के भाग गई होगा। कौन बच्ची? वो जिनसे ताल्लुकात जो थे 2 दिन से। अच्छा। 2 दिन से बातचीत ठीक है, वो बच्ची की भी ज्यादा, उसके भाइयाँ बुला के कैसा मारे क्या है, कोई बोरा गोल्डन पैलेस का नहीं मारे, मार के लाके किशनबाग पार्क में डाले बोल, तो कोई हाथ से मारे लाठी से मारे वो नहीं पता है हमको, उदय पूरी बहुत आखिरी डेंजर सिचुएशन में मिला हम लोग को, एम्बुलेंस में डालने के आए तो इसकी उम्मीद ही कम है बोल रहे हैं, डॉक्टर ना पूरे इलाज करे फिर भी एक कोशिश है माँ बोल के वेंटिलेटर पे है उन्हें, हम ये चाह रहे पुलिस वाले आके पूरी इंक्वायरी कंप्लेंट लेके गए, अब उन्होंने सीसीटीवी चेक करते क्या चेक करते, उन्होंने पूरा इंसाफ करना कौन मारे क्या मारे बोल के,
मारे तो एक हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो उन्हें घर में तो भी देख लेते, उसको भी नसीहत होती थी, हमारे को भी एक भाई है बोले सका, उसकी पूरी सीरियस कंडीशन कर दिए मार के। अब उन्हें अगर कुछ हो गया, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे अम्मी का हालत की बेहालत है।